हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज सबसे पहले आपके साथ चर्चा करूंगा कि कल हमने क्या चर्चा की थी। कल हमारी चर्चा ये थी कि एक नैरो रेंज के अंदर ही बाजार ट्रेड करेंगे, और तकरीबन 3 बजे तक ऐसा ही हुआ। एक नैरो रेंज के अंदर ही बाजार जो है ट्रेड करते रहे। हाँ, लेकिन हमने एक रेंज की बात की थी, नैरो रेंज से भी एक नैरो रेंज में आज बाजार आ गया। चाहे निफ्टी की बात करें, चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, उसी रेंज के अंदर दिन भर बाजार घूमता रहा। तकरीबन 200 पॉइंट के अंदर जो है निफ्टी, और तकरीबन 40 से 45 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी दिन भर मूव करता रहा। और सुबह के जो मूव्स थे उनके बाद जो है बाजार इन्हीं पॉइंट्स के बीच में सेटल होता हुआ नजर आया। लेकिन आज था क्या, आज हमने अलविदा कहा HDFC लिमिटेड को। एक बहुत ही बेहतरीन यात्रा HDFC लिमिटेड ने अपनी पूरी की, और ना केवल HDFC की बल्कि HDFC के जो इन्वेस्टर्स हैं और जो HDFC लिमिटेड के जो भी कस्टमर्स थे जिन्होंने उनसे लोन लेके घर खरीदा, या जो बाकी स्टेक होल्डर्स थे, या वो एम्प्लॉइज थे, या बाकी सब, तो उन सब का देखिएगा जो विलय है वो HDFC बैंक में हो गया। तो एक बहुत बढ़िया जो है यात्रा HDFC लिमिटेड ने पूरी की, और एक बहुत बेहतरीन फ्रूटफुल रिटर्न्स जो है अपने इन्वेस्टर्स को भी दी। और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो एम्प्लॉइज थे, चाहे वो कस्टमर्स थे, चाहे गवर्नमेंट को टैक्स की बात करें, चाहे वो शेयर होल्डर्स थे, चाहे बॉन्ड होल्डर्स थे, सभी को जो है काफ़ी बड़ा बेनिफिट्स, यानी कि जो पूरी इकोनॉमी के अंदर जो उसने पार्टिसिपेट किया उसको भुलाया नहीं जा सकता। और इंडस्ट्री के अंदर भी और इंडेक्स के अंदर भी एक अग्रणी भूमिका के अंदर HDFC लिमिटेड ने पार्टिसिपेट किया। तो आज उसका एक लास्ट ट्रेडिंग डे था। तो सबसे खास बात हम बस यही करेंगे कि भाई आज एक बहुत बेहतरीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो है विलय जो है HDFC बैंक के अंदर हो गया, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के भी ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करेगा। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो आज HDFC लिमिटेड का जो है एक विलय था, उसकी जो औपचारिक घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन औपचारिक रूप से आज एक डीलिस्टिंग होनी थी। तो आज लास्ट ट्रेडिंग डे था, तो उस वजह से एक सेलिंग प्रेशर जो है आना था, लाजिमी था। रीज़न ये कि जो लोग HDFC बैंक भी ओन करते हैं, HDFC लिमिटेड भी ओन करते हैं, तो उनके पास सभी शेयर्स जो है HDFC बैंक में बदल जाएंगे। तो ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखिएगा जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो एक डाइवर्सिफिकेशन का प्रिंसिपल होता है, तो हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखते हैं। तो पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर शेयर के अंदर एक स्पेसिफिक परसेंटेज से ज़्यादा नहीं रखते हैं, तो वो प्रिंसिपल जो है जनरली फॉलो किया जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, चाहे इवन म्यूचुअल फंड्स हो। तो देखिएगा हम म्यूचुअल फंड्स के ऊपर तो फिर भी जो है सीलिंग है रेगुलेटर्स की, तो अगर जिन पे सीलिंग्स नहीं है वो भी इस बात को समझते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कभी भी किसी भी तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं। तो आप अपने पोर्टफोलियो को इसलिए डाइवर्सिफाइड रखते हैं। तो जो डाइवर्सिफिकेशन का प्रिंसिपल है तो वो ये बताता है कि भाई जब दो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग थे वो मिलकर एक हो गए, तो जो भी अच्छा होगा बुरा होगा वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे एक साथ होगा। तो बहुत सारे लोग जो है अपनी जो पोजीशंस हैं वो केवल एक ही जगह रख सकते हैं। तो कुछ लोगों ने अपनी पोजीशंस जो है HDFC बैंक में काट दी होगी कि चलो भाई HDFC लिमिटेड के बदले में शेयर होंगे, तो दूसरा HDFC लिमिटेड में कुछ पोजीशंस काट दी होगी। तो यहाँ पर कि भाई HDFC का बेच देते हैं, बैंक वाले छोड़ देते हैं, तो चेंज वेंज का भी कुछ नहीं है। और इसके अलावा एक और रीज़न था जो 3 बजे का सेल ऑफ था, जो स्वैप रेशियो थी, क्योंकि मैंने जो है कैलकुलेट कर रखी थी बार, तो जो HDFC लिमिटेड के अंदर जो स्वैप रेशियो हम कैलकुलेट करें तो HDFC लिमिटेड का शेयर्स तकरीबन जब तक पूरी प्रोसेस चली उस दौरान तकरीबन 3-4% के डिस्काउंट पे रहता था, और अभी भी आज भी तकरीबन 0.5% के आसपास के डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा था। तो ये था कि 3 बजे जब ये चीज़ें होंगी तो HDFC लिमिटेड का वो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा और वो HDFC बैंक के साथ पार पे काम करेगा, यानी कि जो 25:42 की रेशियो है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या नहीं हुआ कि HDFC लिमिटेड उठा नहीं। अब HDFC लिमिटेड उठेगा नहीं तो जो स्वैप रेशियो है 42:25, तो जो 42 शेयर्स मिलने 25 शेयर्स के HDFC लिमिटेड के हिसाब से, वो कैलकुलेशन क्या बनती है भाई, या तो HDFC लिमिटेड उठ के आ जाता ऊपर और वो स्वैप रेशियो के हिसाब से एडजस्ट हो जाता, लेकिन वो उठा नहीं, वो नीचे से स्लिप हो गया। तो मजबूरन, क्योंकि वो तो डिस्काउंट पे था, तो HDFC बैंक को मजबूरन नीचे आना पड़ा। तो जो लास्ट में जो सेल ऑफ हुआ वो खाली HDFC लिमिटेड HDFC बैंक की वजह से हुआ, फिर बाकी जगह पर भी आपको थोड़ा सा असर देखने के लिए मिला।
तो कुल मिलाकर ये था आज का लेखा जोखा, जिस वजह से लास्ट के 3 बजे के बाद ये बाजार टूटा। और ये हमने जितने भी हमारे मित्रगण हैं उनसे हमने यही चर्चा की थी कि भाई आज एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर जो है एक सेल ऑफ हो सकता है लास्ट टाइम में, और वैसा हुआ भी। और इंट्राडे में भी जो है सेल ऑन राइज की जो है एक स्ट्रेटेजी बनती थी। हालांकि देखिएगा, मैंने कोई ट्रेड इस पैमाने पर नहीं किए। और इसके साथ साथ अगर हम आज बात करें कि भाई बाकी जगह से अगर हम देखें तो बैंक वगैरह सब सही चल रहे थे, रिलीफ था। लेकिन देखिएगा, बड़े प्लेयर्स ने, FIIs ने भी आज सेलिंग की है, तो हो सकता है कि बहुत बड़ी सेलिंग जो है उनकी भी HDFC लिमिटेड या HDFC बैंक के शेयर्स में रही होगी, जिसकी वजह से आज आपको सेलिंग का फिगर नजर आ रहा है। हालांकि इसके अलावा भी देखिएगा, बाजार ऊपरी लेवल पर है, तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट बुक भी किया करते हैं, तो इसमें कुछ गुरेज नहीं है कि जब आपको प्रॉफिट मिल रहा हो तो आपको प्रॉफिट लेना चाहिए। और आज का दिन देखिएगा, जो हमारे साथ जुड़े हुए जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी काफ़ी फ्रूटफुल रहा कि भाई मार्क्सन का शेयर जो है 50% से ज़्यादा की रिटर्न्स देता हुआ नजर आया। और देखिएगा अभी कैसे जोन के अंदर जा रहा है, जहाँ पर कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस उसको फेस करना है। तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो भी शायद आपको आज प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए, कुछ हो सकता है कि कल बुक करेंगे। जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं वो शायद अभी भी बने रहेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर भी उसमें फंडामेंटल वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन होता क्या है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो बाजार के ऊपर आने की स्थिति में प्रॉफिट बुक कर लिया करते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने आज क्लोज कहाँ दिया, 19384 पे क्लोज दिया। कैंडल कैसी बनी है? कैंडल एक बड़ी डीप रेड कैंडल बनी है, और ये कैंडल ने क्या किया है कि कल की कैंडल को पूरा खा गया है, यानी कि कल का लो भी तोड़ के नीचे बंद हुआ है। तो ये जो इंडिकेशंस हैं ये थोड़े से वीकनेस वाले थे, क्योंकि कल निफ्टी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, बैंक निफ्टी में वीकनेस थी, आज निफ्टी ने भी दम तोड़ दिया। लेकिन अभी इसका कोई मतलब नहीं है कि कल हम एक वोलेटाइल सेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कल वीकली एक्सपायरी भी है। लेकिन जिस तरीके से डेटा बने हुए हैं, हमें लगता है कि बाजार शायद कल खुले थोड़ा सा पॉजिटिव नोट के साथ। लेकिन फिर दिन के अंदर मैं लास्ट तक, शाम हो सकता है शाम तक कभी इंतजार ना करें बाजार, और 11-12 बजे के आसपास ही बाजार जो है नीचे की करवट ले ले, और फिर देखिएगा 2:30-3 बजे तक बाजार नीचे की तरफ शायद और गहराई नाप ले। लेकिन हो सकता है कि लास्ट के सेशन में या तो वहीं जो है नीचे जो भी एक मामूली सी गिरावट होगी वहीं पे क्लोज हो जाए, ये इसके बाद हो सकता है कि नीचे से एक पुल बैक भी कर ले लास्ट के आधे घंटे के अंदर। तो कल मिलाकर एक वोलेटाइल सेशन की हम एंटिसिपेशन कर रहे हैं, और बाजार की जो थीम है कल हमें जो लग रही है वो सेल ऑन राइज ही लग रही है, यानी कि जो राइज करेगा, क्योंकि बाजार ऊपरी लेवल से लगातार स्लिप हो रहा है, और जो बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो वो नीचे तो देखिएगा माल बेचेंगे नहीं, तो मुझे ऐसा ही एंटिसिपेशन है कि बाजार या तो फ्लैट खुलेगा, फ्लैट खुल के थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ जाएगा जब तब वो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो वो अपना माल सस्ते के रेट पे नहीं देते हैं, बड़े स्मार्ट प्लेयर ही इसी तरीके से। और जो लोग पोजीशंस मंदी की बनाए हुए काफ़ी, वो भी लोग बहुत फंसे हुए हैं, तो हर नीचे के डिप पर वहाँ से भी एक बाइंग आ जाती है। तो स्मार्ट प्लेयर्स ने बहुत बढ़िया सेटअप बना रखा है अपना प्रॉफिट बुकिंग करने का भी, तो जिसके दायरे में वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और बाजार का जो थीम है वो सेल ऑन राइज ही रहने वाली है, तो जो भी राइज आएगा बाजार में ऊपर की तरफ से सेल होता हुआ नजर आएगा, ऐसी मेरी परिकल्पना है, और इस तरीके के डेटा भी बने हुए हैं। अगर आज की अगर बात करें तो JSW स्टील, नेस्ले, कोटक महिंद्रा, रिलायंस, आयशर मोटर, ये सब मामूली सी या थोड़ी सी घनी तेजी के अंदर थे, बट ज़्यादा तेजी थी नहीं आज इनमें भी। रिलायंस देखिएगा, लास्ट में थोड़ा सा दम तोड़ गया, और रिलायंस भी आज एक समय पर निफ्टी के अंदर मेजर कंट्रीब्यूटर था, लेकिन शाम होते होते उसने वो दम छोड़ दिया। HDFC बैंक 15 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देता हुआ नजर आया, इन्फोसिस 12 पॉइंट का, अदानी एंटरप्राइज 8 पॉइंट का। अगर HDFC को रिप्लेस कर दिया LTI माइंडट्री ने, जिसने जो HDFC लिमिटेड की भूमिका निभाई, अगर HDFC लिमिटेड होता तो वो भी इतना ही कंट्रीब्यूट करता, तो LTI माइंडट्री का नाम डाल दिया गया है। बट ये जो कंट्रीब्यूशन है मुझे ऐसा लग रहा है HDFC लिमिटेड का ही है, नाम बेशक से LTI माइंडट्री का है, और LLR जो है 5 पर। इसके बाद एडवांस डिक्लाइन रेशियो बराबर नेक टू नेक थी, आज दोनों बराबरी में थे, लेकिन तेजी वाले से शाम को घटते नीचे आ गए, और घटने वाले से बढ़कर ऊपर चले गए। ONGC, आयशर मोटर, JSW स्टील, नेस्ले, कोटक महिंद्रा बैंक, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सन फार्मा, SBI लाइफ इंश्योरेंस और एशियन पेंट्स जैसे जो शेयर्स थे वो जो है मामूली से लेके थोड़ी सी तेजी करते हुए नजर आया, कोई भी शेयर 2% से ज्यादा की तेजी नहीं कर रहा था।
गिरावट कहाँ पे थी? गिरावट थी अदानी इंटरप्राइज में, अल्ट्राटेक सीमेंट में, इन्फोसिस में, टाटा मोटर्स में, एचडीएफसी बैंक में, भारत पेट्रोलियम में, एनटीपीसी में, एचडीएफसी लिमिटेड तो देखिएगा गायब भी हो जाएगा, तो एचडीएफसी लिमिटेड में 0.84, हीरो मोटो को 0.83, निफ्टी बैंक 4469 पर क्लोज दिया है, मात्र 105 पॉइंट की कमजोरी, वो भी देखिएगा सारी की सारी एचडीएफसी लिमिटेड ने कंट्रीब्यूट किया है। कैंडल्स एक अच्छी खासी नेगेटिव बनी हुई, और देखिएगा चौथी कैंडल्स रो के अंदर रेड सिग्नल देती हुई नज़र आ रही है। और अब देखिएगा बाजार, जहां से हमारा जो आकलन था वो यही था कि बाजार 44300 के आसपास जो है आगाज कर सकता है, 44300-200। तो हमें भी लगता है कि कल हो सकता है कि अगर 44500 टूटता है तो 44300 के आसपास तक बाजार जा सकता है। उसके बाद अगर नीचे के लेवल्स अगर आते हैं तो वे फिर एक मल्टीपल सपोर्ट रीजन बनता है। अगर किसी भी कारण से अगर बाजार 43800 या 900 की तरफ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो लेवल्स को तोड़ देगा, वो बहुत ही जबरदस्त वाली सपोर्ट जो है बनी हुई है। अगर वहाँ पर बाजार जाता है, इंट्राडे में किसी कारण से पहुँचता है, तो वहाँ से बाउंस बैक के बहुत बढ़िया चांस है, और मुझे लगता है वहाँ से 150-200-250 पॉइंट तक बाउंस बैक मिल सकता है। तो जो ट्रेडर्स हैं वो इस बात को बेखूबी तरीके से समझते हैं। कोटक महिंद्रा, पीएनबी, एसबीआई, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सब तेजी में थे। बस अकेली कमजोरी थी कहाँ से, जो मेजर जितना सब ने तेजी की, एचडीएफसी बैंक ने 140 पॉइंट की कमजोरी कर दी। एक्सिस बैंक, इंडसइंड, आईसीआई और बंधन जैसे शेयर्स भी कमजोर थे। इसके बाद आज एफआईआई 1242 करोड़ की सेलिंग है। देखिए इस डेटा के अंदर एक चीज हो सकती है कि इसमें से कुछ सेलिंग जो है एचडीएफसी लिमिटेड वाली हो, तो 1242 करोड़ की जो है सेलिंग है, 436 करोड़ की डीआई इसकी बाइंग है। इसके अलावा 74 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग है, इंडेक्स ऑप्शन सेल करते हुए नजर आए 2591 करोड़ के, और आज बहुत दिनों के बाद आपको स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग नजर आई है 2925.96 की। तो इसमें भी हो सकता है कि एचडीएफसी लिमिटेड के कुछ फ्यूचर्स हों जिनकी पोजीशन शॉर्ट्स थी, वो आज स्क्वायर अप हो गई हो, तो ऐसा भी चांसेस हैं। तो जो फिगर्स हैं उसमें एक आज जो एचडीएफसी लिमिटेड की एक एडजस्टमेंट की फिगर्स भी कहीं ना कहीं है। तो आज के डेटा क्लियरली इंडिकेट कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अगर वो सारे डेटा को देखने की चेष्टा हम करें तो ऐसा लग रहा है कि ऊपरी लेवल पर एफआईआई भी प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आ गए हैं। पुट कॉल रेशियोस काफ़ी नीचे की तरफ है, तो ऐसे केसेस में बाजार जनरली टूटते नहीं है बल्कि साइडवेज रहते हैं, और तो 0.6887, लेकिन कल जब बाजार ऊपर तेजी की तरफ होंगे तो हो सकता है कि उस परिस्थिति में अच्छी खासी पुट राइटिंग हो, फिर बाजार सेकेंड हाफ में रिएक्ट कर सकता है। और बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो 0.612 की है, तो ये भी जो है टूटने के संकेत नहीं देती हैं इस तरीके की पुट कॉल रेशियो। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की बात करते हैं, देखिए डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में हुआ क्या। अब सबसे पहली बात है कि भाई डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में ऐसी क्या बात है कि आज ये तेजी कर रहा है कल भी तेजी की। आज की तेजी का कारण बताता हूँ आपको, आज की तेजी का मुख्य कारण है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, जो इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं वो यूएस के अंदर उम्मीद से 0.2 कम आए हैं, 0.2 कम आए हैं, और इंडिया में 0.22 जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा आए हैं। यानी कि आज सीपीआई के जो डेटा थे वो यूएस के भी आए और हमारे भी आए। अब यूएस के जो डेटा थे वो एक राहत देने वाले थे, और राहत क्या दे रहे थे कि राहत ये दे रहे थे कि जो सीपीआई के जो नंबर्स हैं, जो सीपीआई के जो नंबर्स हैं वो नीचे की तरफ आए, यानी कि जो एंटीसिपेट किया गया था उससे काफ़ी नीचे वो नंबर्स आए। और काफ़ी इसलिए क्योंकि देखिएगा दो तीन दिनों से बात चल रही थी कि फेडरल रिजर्व जो है फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा, तो इस वजह से ज़्यादातर लोग चिंतित थे कि भाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो बाजार फिर गिर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपके साथ बात करूँ कि भाई जो उम्मीद की थी उससे 0.2 जो है कम आए, और इंडिया के अंदर जो डेटा है जो एंटिसिपेट की थी उससे सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.22 ज़्यादा आया, तो इंडिया में यानी कि जो उम्मीद कर रहे थे महंगाई की उससे ज़्यादा महंगाई आई है, और यूएस में थोड़ी सी कम आई है। लेकिन फिर भी एक बात है कि हमारे यहाँ पर पीएमआई के डेटा काफ़ी एग्रेसिव आए हैं, आज काफ़ी अच्छे आए हैं, तो कुल मिलाकर दोनों को अगर हम देखें तो इंडिया के लिए न्यूट्रलाइज हो गया, एक अच्छी खबर है एक ख़राब खबर है। बट इंडिया में देखिएगा अभी अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इस महीने में जो स्पेशली जुलाई का महीना चल रहा है,
जो फूड इन्फ्लेशन है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, यानी कि जो वेजिटेबल्स हैं या जो बाकी एग्स वगैरह हैं उनके प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। और इसमें सबसे खास बात यह कि जिस तरीके से अगर हम देखें कि इंडिया के अंदर जो है एक अबनॉर्मल जो है रेनफॉल हुआ है, अगर हम देखें हिमाचल के अंदर तो देखिएगा बिल्कुल त्राहिमाम त्राहिमाम हो चुका है, और बहुत ज़्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डैमेज हुआ है और लोगों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ट्रक पलट गए हैं, पुल टूट गए हैं, पहाड़ अगर हम देखें तो जो लैंडस्लाइडिंग हुई है वो बहुत ही मतलब भयानक रूप से हुई है। अगर हम हिमाचल की स्पेशल बात करें, इसके अलावा उत्तराखंड या जो बाकी जगह है वहाँ पर भी है, तो काफ़ी बड़ा डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो प्राइस हैं वो जो है सातवें आसमान पर है। इसके अलावा जो सप्लाई चेन है वो भी डिस्टर्ब्ड है, स्पेशली जो पहाड़ों से लिंक करती है। और अभी बाकी अगर जगह पर भी देखें तो जो प्लेन्स हैं वहाँ पर भी कुछ ऐसी कंडीशंस हुई हैं बारिश की वजह से कि जो है पूरा जो सिस्टम है चरमरा गया है, तो उसकी वजह से भी हमें लग रहा है कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ है। तो हो सकता है कि अगले पीरियड्स में जब इन्फ्लेशन के डेटा आएँ तो और शायद थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए। अगर हम ब्रांड क्रूड की बात करें तो भाई 80 डॉलर की बात कर रहे थे, आज 80 डॉलर लगाई दिया है, अभी 79.98 जो स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, आज 80 का भाव लग चुका है। और इसके बाद अगर हम बात करें ऑप्शन चेन की, तो देखिएगा कल 19,400 एक ऐसा लेवल था जहां पर ऑप्शंस का जो पुट राइटर है वो बैठा हुआ था बड़ी मजबूती के साथ, तो आज भी बैठा हुआ है लेकिन थोड़ी सी अनवाइंडिंग हो गई है। लेकिन अगर आप नीचे के लेवल्स पर देखें तो एक अच्छी खासी राइटिंग है, और अगर हम यहाँ पर 5 स्ट्राइक प्राइस को देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 स्ट्राइक प्राइस को देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर तकरीबन 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पुट में खड़े हुए हैं। अगर कॉल साइड में अगर हम इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट देखें 1, 2, 3, 4, 5 तो ये जो कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है अगली 5 स्ट्राइक प्राइस में ये 10 लाख को भी पार कर रहे हैं। ठीक है जी, 10 क्या ये 12 लाख के आसपास जो है पहुंच रहे हैं। तो ये जो डेटा है ये बता रहे हैं कि ऊपर कॉल राइटर काफ़ी एग्रेसिवली बैठे हुए हैं। तो बाजार अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये जो कॉल राइटर्स हैं बाजार को नीचे धकेलने की पूरी चेष्टा करेंगे। नीचे भी एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है, तो अगर नीचे की तरफ बाजार आएगा तो ऊपर की तरफ धकेला जाएगा। इन दोनों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बाजार कल काफ़ी बढ़िया वाला वोलेटाइल रह सकता है, और क्योंकि बाजार एक दो दिन से जो है पीछे से धीरे धीरे सॉफ्ट होते हुए आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही मामूली तरीके से, जबकि तेजी हुई थी तो बड़ी फास्ट हुई थी, और ये स्पेशली ब्रेकआउट के बाद। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि कल एक काफ़ी अच्छा वोलाटाइल सेशन रहेगा, और उसके बाद शायद ऑप्शंस के प्रीमियम भी आपको बढ़ते हुए नजर आए, और इंडिया विक्स में भी कल एक बढ़ोतरी की हम उम्मीद कर रहे हैं। तो और आगे भी जो हमें लगता है कि जो बाकी 2 एक्सपायरी बची हुई हैं वहाँ तक बाजार शायद कल की जो वोलाटिलिटी क्रिएट करेगा वो आगे भी शायद आपको कंटिन्यू होती हुई नज़र आएगी। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।